आंसू भी कितने अजीब होते हैं, दुख हो तो भी आ जाते हैं और कभी कभी खुशी में भी आंखें छलक जाती हैं। हाय, मेरा नाम है अरफा और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी स्पेशल चीज, और ये है मेरा भाई मोहम्मद उमर। हाय बाय। हाय गाइस। हाय गाइस को हाय बाय कहते हैं। हाय बाय। और अब थोड़ी थोड़ी बातें सही करने लग गया है, और वैसे भी मैं बहुत दिन व्लॉग बनाती हूँ भूल जाती हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड क्योंकि मेरी अन्ना का गार्डन प्ले बटन आ गया है, स्पेशल चीज। चलो दिखाती हूँ। ये देखें, ये है गोल्डन प्ले बटन, ये मेरी अन्ना को मिला था। मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी, चले खोलते हैं यहाँ पर। हाँ, ये देखें ये है कार्ड, ये लिखा हुआ है मुबारकबाद के लिए, और ये है एक खत, नहीं ये है एक ये है CEO लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक लेटर है, इसको भी पीछे रख दो, और ये है गोल्डन प्ले बटन, मेरी अन्ना का है, और ये बहुत स्पेशल चीज है, मुझे बहुत पसंद आया, पहले से भी बड़ा है, और ये माशाल्लाह शुक्र है अब आ गया है। सबसे पहले हमें माशाल्लाह करना चाहिए। ये देखें, ये गोल्डन प्ले बटन है, ये देखें। जो बाकी है बातें वो आपको मेरी अन्ना बाद में बताएंगी। अच्छा, तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ये बाबा मेरी अन्ना, अगर उनको अच्छा लगा हो तो वो डाल दे वीडियो में, और डाल दे वीडियो में तो मैं बहुत एक्साइटेड होंगी। अगर डाल देंगे तो बहुत एक्साइटेड होंगी। वैसे भी ये आज ही आया है, मुझे किसी ने पहले बताया नहीं था। बाबा ने कहा था अपनी बातें ना बता, मेरी बातें ना बताना, कोई अपनी मर्जी की भी बता देना। हिला रही हूँ, बाबा कहते हिलाओगे तो नहीं डालूंगी, डालूंगा, लड़की नहीं है बाबा। वैसे मेरी मामा ने बेस लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, आप यक सारे बाल बांधे थे, और हमारे घर गेस्ट आए मोहम्मद और आप यक्सा और फूफू यासमीन, वो आए हुए हैं, मैं उनको फूफू कहती हूँ, और वो लाहौर से आए हैं, और ये मेरा भाई है उमर। उमर क्या खेल कर रहे हो यहाँ पर? हाय हाय ना। और बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज ही आ गया है। पहले मुझे बाबा ने नहीं बताया था कि अन्ना का गोल्डन प्ले बटन, मैं स्कूल से आई थी तब बताया था बाबा, तब कॉल बंद हुई ना, तब बाबा कहते अन्ना का गोल्डन प्ले बटन आ गया तब आ गया था। चलो, आज के वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बाय। औरत अच्छी, बेवफा, बावफा, ऐसी वैसी और खुदा मालूम कैसी कैसी। हर मुल्क हर जमाने में बड़े बड़े मुफक्करों ने औरत के बारे में कोई ना कोई राय जरूर कायम की है। कुछ लोग उसके हुसन पर जोर दे रहे हैं तो कोई उसकी पारसाई और नेक सीरती पर कायम है। एक साहिब का ख्याल है कि खुदा के बाद औरत का मर्तबा है, तो दूसरे साहिब उसे शैतान की खाला बनाने पर तुले हुए हैं। एक साहिब ने तो ये भी फरमाया है कि एक धोखेबाज मर्द से एक धोखेबाज औरत ज्यादा खतरनाक होती है। खैर, लोग जो भी सोचते हों, अगर आप अपने बारे में मालूम करना चाहें कि आप कौन से माशरे में रहते हैं, तो एक कोरे कागज पर लफ्ज औरत लिख कर देखिएगा। पहली नजर पड़ते ही ख्यालों में जो भी तस्वीर उभरे आपकी अपनी सोच और माशरे की अक्कासी करेगी। ये एक वो फार्मूला है जिसका प्रैक्टिकल करने से पहले हम न जाने क्यों कुछ सोचकर रुक जाते हैं, इसलिए इसको आज तक कोई कर ही नहीं पाया। खैर, तो बात आंसुओं से शुरू हुई थी। कुछ लोग तो ये भी लिखते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड आंसू होते हैं, जिनमें पानी सिर्फ 1% और 99% जज्बात और एहसास होते हैं। तो यार, बस इतना कहूँगी कि उल्फतों और इज्जतों का खजाना किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता।
मेमुना मुस्लिमा नामी एक पाकिस्तानी बापरदा औरत जिसने महज 300 वीडियोस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोशल वेबसाइट यूट्यूब पर अपनी परफॉर्मेंस का एतराफ करवाते हुए एक बहुत बड़ा अवार्ड जिसे गोल्ड प्ले बटन कहा जाता है हासिल कर लिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूट्यूब पाकिस्तान में वो सबसे पहली खातून है जिन्होंने बापरदा रहते हुए इतने कम वक्त में ये अवार्ड हासिल करके एक नई तारीख रकम कर दी है। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू हर। तो ये अवार्ड मेरा नहीं है बल्कि आप लोगों का भरोसा है और मेरी दीवार पर मुझे हमेशा आप लोगों की याद दिलाता रहेगा। मैं जब भी अपनी वीडियो में किसी न किसी बहाने आप में से किसी न किसी का नाम पुकारूंगी, है ना मुसरत बानो? मैं ठीक कह रही हूँ ना? वस्सलाम।